था और अपराधियों को बिहार में इतना मनोबल बढ़ा हुआ कि कहीं भी किसी को भी मार दे रहा है और खास करके एक जाति को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, वो कुशवाहा जाति। गांव के ही रणधीर जादव का लड़का है, उसका नाम कबीर है। हाँ। और एक मनोज जादव का लड़का है, उसका नाम सन्नी है। हाँ। ये दोनों ने चाकू मारा है, ये वहाँ पर स्थानीय लोगों ने देखा है। हाँ। और ये घटना होते हुए देखा है। हाँ। फिर स्थानीय लोगों ने यहाँ हल्ला किया तो बचाव में वो लोग भाग निकले वहाँ से मारकर। नमस्कार, प्रणाम के राजन, आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आज इतने गुस्से हैं क्योंकि आप सभी को बता दें कि किस तरीके से पटना जिला में एक नौतपुर गांव में किस तरीके से हत्या कर दिया गया है उस लड़के का जो कि कुशवाहा समाज से आता था, जिसका सुधीर यादव और कुछ लोगों ने मिलकर कॉल करके दो तीन बार कॉल करके बुलाया, उसको कोचिंग से निकाल कर उसके बाद चाकू से गोद कर उसको मार दिया गया। इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया गया उस घर में। माना जाए वो लड़का जो था वही एक था, वो घर में एक ही लड़का था और उसकी बहन थी दो तीन, और उसके बाद में इस लड़के को बुलाया गया, किस तरीके से मारा गया चाकू से गोद कर, जिसका नाम भी सामने आ रहा है और नाम भी लिया जा रहा है। इस पर किसी भी मीडिया वाले को नजर नहीं है, ना इस पर कोई बोल रहा है, ना ही इस पर कोई आवाज उठा रहा है। और जो भी आरोपी है उसका नाम लेने के बावजूद भी उसके सभी घर वाले लोग उस गांव में रह रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से इसका जवाब लेना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से कुशवाहा समाज को पटना ही जिला में किस तरीके से मारा जा रहा है, बहुत सारे विधायक को, अति मुखिया को, वार्ड को इस तरीके से। और अब देखा जाए तो इतना छोटा लड़का, कोई छोटा बच्चा को किस तरीके से मर्डर कर दिया गया है। और ये इसको मैं अपने नेता लोग जो भी है वो भी अभी तक वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है और इसको चीज पर अभी तक आवाज नहीं उठाया जा रहा है। क्या अपने समाज में इतना ही एकता है कि कोई भी आदर, सिर्फ देखा जाए तो लड़के को जिस तरीके से उसकी बहन और उसकी माँ बोल रही है कि वो लड़के से किसी का झगड़ा लड़ाई नहीं था और अभी तक, और ना ही किसी से गाली गलौज भी करता था, उस लड़के को घर से बुलाकर, ट्यूशन से बुलाकर, फोन करके और उसको अपने पास बुलाकर चाकू से गोद कर मार दिया गया है उस लड़के को और उसके घर परिवार का। आप लोग वीडियो देख सकते हैं जो हम पिछला वीडियो अपलोड किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ के पुलिस प्रशासन से, नेता लोग से, क्या यही सरकार चल रहा है, क्या इसी पे इसीलिए हम लोग एक मुख्यमंत्री को, एक विधायक को, एक मुखिया को वोट देते हैं कि हम लोग के जाति के आधार को लेकर, जाति को मामला को लेकर किसी को मर्डर, इतनी बेरहमी से इतना छोटा बच्चा को हत्या कर दिया गया है और इस पे कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, कोई समाज के नेता लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं, ये क्या किया जा रहा है। और ये अभी नहीं हुआ, देखिए जितने भी आरोपी अभी तक पकड़ाए हैं सभी लोग को छोड़ दिया गया है। और वो भी सुजीत मेहता केस में ही देख लीजिए, अभी जो भी बड़े आरोपी थे उन सभी को भी पकड़ा ही नहीं गया है। देखिए जितने, और आप लोग इस बात पे गौर कीजिए कि लाख कुछ कर रहे हैं लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों का मर्डर किया जा रहा है। और देखिए मर्डर करने के बाद हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये मिलना, लेकिन ऐसा काम कानून क्यों नहीं कर रही है आरोपियों के साथ कि कोई आगे से ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे कि हम ऐसा काम नहीं करें। लेकिन फिर भी अगर आरोपी पकड़ा रहा है और बार बार मर्डर हो रहा है तो कहीं से कहीं तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है अपने समाज के लिए। क्योंकि इस तरीके से बहुत, अभी सुजीत मेहता का केस हुआ, इसके पहले ही एक लड़का को मार डाला गया था जिसका वीडियो हम बनाए हुए थे, जो कि उसके मम्मी पापा मिलकर, उसको परिवार वालों ने मिलकर उसके टावर पर लटका के मारा था। और उसके बाद ये घटना, यानी कि हर एक महीना दो तीन लड़के को ऐसे मर्डर किया जा रहा है कुशवाहा समाज के लड़के को। क्या ये सरकार कि इसीलिए हम लोगों ने किसी को चुनते हैं या किसी को सरकार को कैसे मारा, क्या हुआ, इनको क्या मालूम, ये बनाने से इंसाफ मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा इंसाफ। अरे बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, मिलेगा इंसाफ मिलेगा, ये वीडियो बनाने से मिलेगा तो बोलिए। और इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है और इस पे अभी तक उसमें उसके पूरा परिवार वाले उसी घर पे है, उसी गांव में है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो और फिर दो तीन महीने का बात है, दो तीन महीने बाद फिर वो जितने भी लड़के पकड़ाए हैं वो सभी लड़के छूट के आ जाएंगे अपने घर पे और ठीक से रहेंगे और कुशवाहा समाज का एक चिराग बुझ गया जो कि हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो कि हमेशा वो अगला इतना लड़का वो अच्छा था कि अभी तक वो सिर्फ पढ़ाई करता था कोचिंग में और वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, जिस लड़के को चाकू से गोद गोद कर मर्डर कर दिया गया है। और इस पर कोई भी अभी तक नहीं नेता पहुंचे हैं अपने, जो कि आप लोग के कुशवाहा समाज के नेता कहते हैं कि ये हमारा नेता है, और ना ही इन पर इंसाफ मिल पाया, ये कहाँ से कहाँ तक सही है। और आप सभी लोग बताएं कि इस तरीके से किसी भी परिवार को, कल ये उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो जाए तो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इस पर कार्रवाई नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या कुशवाहा समाज के लड़के लोग मरते रहेंगे और इसका कोई जवाब देने वाला है ही नहीं जो कि जवाब देगा। और एक दो महीने बाद सभी को छोड़ दिया जाता है और जितने भी आरोपी पकड़ाते हैं, इस पे आप लोग आवाज उठाइए, दबाकर नहीं उठाइएगा तो ये आज उनके साथ हुए, कल आपके साथ, परसों हमारे साथ, बहुत लोग साथ हो सकता है। हम कानून व्यवस्था जो बिहार का है उस पर हम आवाज उठाना कहना चाहते हैं कि क्या आप लोग, इसीलिए हम लोगों ने खड़ा करते हैं, हम लोग वोट देते हैं कि आप लोग
सच्चाई को, जो बुराई लोग हैं उनको पैसे से आप बिक जाते हैं, जो नेता लोग पुलिस प्रशासन लोग हैं उन सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग पैसे से बिकने के लिए आप लोग को वोट दिया जाता है, पैसे से ही खरीद लीजिए सब कुछ। आप लोग कमजोर परिवार और अच्छे परिवार को देख के आप लोग मकसद बदलने वाले लोग जितने भी हैं उन लोग से कहना चाहते हैं कि अपने अब आप भाई जो जितने वीडियो देख रहा है कि अपने समाज के लिए कोई भी खराब अभी तक नहीं हो रहा है और ना ही होने, आप जितने भी आज लोगों को आप लोग भगवान बना के बैठे हो कोई भी खराब नहीं हो रहा और ना ही अच्छा कोई कर रहा है। जिनके पास सब कुछ है वो अपने पैसे पे बिक जाते हैं, जो कि अपने समाज के कुछ दलाल लोग हैं वो लोग पैसे पे बिक जाते हैं और इस तरीके से मासूम लोगों का हत्या हो रहा है और होते आ रहा है अभी तक। बहुत दिन से देखा जाए बहुत सारे मैटर हुए हैं और सारे आरोपी को कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है जिसका कोई ओर अंत नहीं रहता है। बिहार के पुलिस प्रशासन की कहना चाहते हैं कि इस तरीके से घटना को बार बार अंजाम दिया जा रहा है और पटना के जो भी पुलिस प्रशासन खास करके है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर देखिए अभी इस पर कार्रवाई होगा अगला फिर मर्डर होगा, फिर किसी का कुशवाहा समाज का एक्सीडेंट बुझ जाएगा और फिर उस पर आवाज उठाया जाएगा, दो दिन चार दिन फिर उस पर केस होगा, उसका मामला को फिर एक दो महीने बाद आरोपी अपने घर पे होगा। इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं दबा के शेयर कीजिए, दबा कर आवाज उठाइए, यूट्यूबर है तो आप सभी लोग इस पे आवाज उठाइए, इस पे बोलिए, अगर ऐसे है तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपलोड कीजिए, कहीं भी कीजिए, पर इस बच्चे को, इसके मम्मी पापा को, इसकी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। दबा के शेयर कीजिए वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो।